सो हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक 998 यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज हम लोग को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो हम लोग ब्लॉग के द्वारा जो हम लोग आवेदन किया था राशन कार्ड के लिए, और गांव में जो आवेदन हुआ था जीविका के द्वारा, तो दोस्तों इसका जो स्टेटस और जो ये राशन कार्ड है ये बन के आ गया है, जिसका 7 दिन का टाइम था बन के आने के लिए। दोस्तों इसको हम लोग चेक करना है, और साथ ही जो EPDS का वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है, इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो ब्लॉग के द्वारा हमारा जो आवेदन हुआ था उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और वेबसाइट जो ओपन नहीं हो रहा है उसका भी आप ट्रिक जान लीजिए कैसे ओपन होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। जब क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में हमें सर्च बार में सर्च करना है, जैसे पहले की ही तरह EPDS, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं बिहार, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्च के बटन पर क्लिक कर देते हैं, इसको सर्च कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने जो वेबसाइट सबसे ऊपर फर्स्ट में खुल के सामने आया है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब तो रही बात, ये वेबसाइट जो नहीं खुल रहा था ये खुल रहा है आपके सामने, देखिए मैं टच कर रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में होम लॉगिन के नीचे दिया हुआ है RC इशू सिस्टम, ठीक है। RC इशू सिस्टम के ऊपर हम लोग क्लिक करना है। अब देखिए क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो रहा है, यहाँ ऊपर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो होम के बगल में अप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए करना क्या है कि इसमें अपना ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अनुमंडल इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अनुमंडल हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है अपना आवेदन संख्या जो है इसमें डालना है, ठीक है, जिसे यहाँ पे RTPS संख्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों मैं अभी इसमें जो हमारा आवेदन संख्या है वो मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो हम अपना आवेदन संख्या है जो डाल लिया हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन संख्या डाल लिया यहाँ, और उसके बाद जो है दो ऑप्शन खुल के सामने आ रहा है, एक शो का और एक कैंसिल का। तो हमें क्या करना है कि शो के ऊपर में क्लिक करना है ऐसे। तो दोस्तों आपके सामने ये देखिए यहाँ पे जो खुल के सामने आया है, यहाँ RTPS नंबर जो हमने डाला था वो आपको सामने दिख रहा है, और जो अप्लीकेंट थे उनका नाम बता रहा है, और स्टेटस में दिखा रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति के लिए गई है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो है हमारा अनुमंडल पदाधिकारी के पास जो आवेदन गया है ये बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। या कहाँ मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है राशन दुकान के पास यानी डीलर के यहाँ मिलेगा, ठीक है। या तो डीलर देंगे या तो आपके घर में ही मुखिया के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, बिल्कुल यह राशन कार्ड आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यह इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।